अतीत के युगों में एक ऐसा बोधि साधक हुआ जिसका लोग आज भी वास्तु दोष को दूर करने के लिए और तनाव से छुटकारा पाने के लिए उपयोग किया करते हैं। उस बोधि साधक का नाम था लाफिंग बुद्धा। हालांकि वह साधक खुद भी नहीं जानता था कि उसका नाम क्या है, लेकिन लोग उसे लाफिंग बुद्धा के नाम से पहचानते थे। पूरे जापान और पूरे चाइना में लाफिंग बुद्धा इस तरह मशहूर हो गया कि उतना मशहूर तो कोई सैकड़ों पुस्तकों का लेखक कोई दार्शनिक भी न हुआ होगा। और आज की तारीख में पूरे संसार में लाफिंग बुद्धा की छोटी छोटी मूर्तियां और स्टैच्यू चलते हैं। और बताया जाता है कि यदि आपके घर में किसी भी तरह का वास्तु दोष है, अगर आप डिप्रेशन और टेंशन से पीड़ित हैं, तो रोजाना लाफिंग बुद्धा पर 15 मिनट तक ध्यान कीजिए। सवाल यह है कि यह लाफिंग बुद्धा क्या है। मैंने इस लाफिंग बुद्धा का खूब आनंद लिया है। कहते हैं कि लाफिंग बुद्धा ने पूरे जीवन में कभी कोई उपदेश नहीं दिया, कभी किसी को कोई काम नहीं बताया, धर्म का कोई भी सोपान नहीं बताया, केवल वो एक ही काम करता और वो था लाफिंग, हंसना और मुस्कुराना। हास्य ही उसके जीवन का उपदेश था, हास्य ही उसके जीवन का धर्म शास्त्र था, हास्य ही उसके जीवन की मंजिल थी। वो आदमी जिंदगी में इतना हंसा, इतना हंसा, इतना हंसा कि शायद जिंदगी में कोई आदमी इतना हंस ना पाया होगा। मुझे तो लगता है कि जब वो व्यक्ति पैदा हुआ होगा तो मां के आंचल से भी हंसता और मुस्कुराता हुआ ही पैदा हुआ होगा। अगर वो सड़क से गुजरता और लोग प्रणाम करते तो मुस्कुरा के आगे बढ़ जाता। कोई बच्चा उन पर कंकर फेंक देता तो हंस देता और हंस के आगे बढ़ जाता। यदि कोई जिज्ञासु उनके पास सवाल लेकर के आया करता और अपना सवाल रखता तो वापस सवाल के जवाब में वो केवल हंस देता और वहां से उठ के चला जाता। और कहते हैं हर पूनम पूनम के दिन कि जैसे समुद्र में ज्वार भाटा उठता है वैसे उसको हंसी का ज्वार भाटा उठा करता। और वह हर पूनम के दिन सांझ पड़ने पर गांव के चौपाल पर आ जाता और वहां पर चौराहे पर खड़े होकर के
खूब हंसता, इतना जोर से हंसने लगता कि उसके हंसी को सुनकर के गांव भर के लोग इकट्ठे हो जाते और उसको हंसता हुआ देख करके लोग भी हंसने लग जाते। हंसी की ऐसी तरंग पैदा हो जाती, हंसी की ऐसी बांसुरी बज जाती कि पूरा गांव ही हंसने लग जाता और इस तरह से 15 दिन का सारा तनाव दूर हो जाता। वो पूनम की रात हंसने की रात होती थी, वो हंसता हंसता लोटपोट हो जाता, चौपाल पर ही लोटपोट होने लगता, लुढ़कने लगता, लोगों के पेट दर्द करने लग जाते थे हंसते हंसते। और कहते हैं लोगों ने उसका नाम ही रख दिया लाफिंग बुद्धा। युगों पहले कोई आदमी इतना हंसा था, कोई इतना मुस्कुराया था, युग बीत चुके हैं वापस इंसान को इतना हंसते और मुस्कुराते हुए। एक बात तय है कि किसी भी इंसान का लटका हुआ चेहरा तो अच्छा नहीं दिखाई देता, पर मुस्कुराता हुआ चेहरा तो अगर दुश्मन भी देखेगा तो उसको भी सुहाएगा। तो इंसान के जिस चेहरे को देखकर दुश्मन भी मुस्कुराने को विवश हो जाए, इंसान अपने जीवन के साथ क्यों ना ऐसी दौलत को और ऐसी संजीवनी को अपने साथ जोड़कर रखे। सदाबहार प्रसन्न, सदाबहार आनंदित रहने का परिणाम ही यही है कि व्यक्ति हमेशा टेंशन फ्री रहता है, डिप्रेशन फ्री रहता है, वरी फ्री रहता है, मस्त रहता है। इसीलिए मेरे संदेशों का अगर कोई एक ही सार संदेश किसी को समझना हो तो मेरे सारे संदेशों का एक ही सार संदेश है और वो है हर हाल में मस्त रहो। सारे संदेशों का एक ही निचोड़ है कि हर हाल में मस्त रहो, आनंद से जियो। इस बात की परवाह मत करो कि किसने क्या कह दिया, इस बात की परवाह मत करो कि कहां क्या हो गया, इस बात की परवाह मत करो कि कब तक जिएंगे, केवल इस बात की परवाह करो कि आनंद से जिएंगे। और चित्त की प्रसन्नता, चित्त का आनंद कोई दूसरा व्यक्ति हमें नहीं देगा, क्योंकि दूसरे के आधार पर अगर हम अपनी प्रसन्नता खरीदना चाहेंगे तो बहुत जल्दी बिक भी जाएगी। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो दूसरा व्यक्ति हमारे पास आया है वो लाफिंग बुद्धा हो। हां, अगर किसी लाफिंग बुद्धा को अपनी मुस्कान बेच डालो तो वापस आपको खुश भी कर देगा, पर दुनिया वाले लोगों को अपनी हंसी और खुशी बेच डाली, उनके पास अगर गिरवी रख दी तो ये दुनिया दो पल में हंसाती है और ये दुनिया दो पल में रुलाती है। उसी का परिणाम है इंसान की एक आंख में खुशी होती है और एक आंख में आंसू होते हैं। दुनिया मुस्कुराना सीख जाए, ये दुनिया मुस्कुराना भूल गई है। ये दुनिया दिन भर में अगर मुस्कुराती है तो घर पर कोई मेहमान आ गया तो उसको देखकर भले ही मुस्कुरा ले, बाकी तो ये दुनिया दिन भर में दो बार भी मुश्किल से नहीं मुस्कुराती होगी। मैं तो कहूंगा कि अपने जीवन में मुस्कान की ऐसी तरंग फैला दो, मुस्कान का ऐसा ध्यान कर लो, अपने रोम रोम में मुस्कान फूटने लग जाए, रोम रोम में, कि सुबह उठो तो मुस्कान, खाना खाओ तो उससे पहले मुस्कान। लोग बेवकूफ है जो खाना खाने से पहले भगवान को याद करते। भगवान को नंबर दो में याद करो, उससे पहले मुस्कुराओ, क्योंकि अगर मन की स्थिति ही ठीक नहीं होगी तो बेमन से भगवान को भी अगर याद कर लोगे, उदास मन से अगर भगवान को भी याद कर लोगे तो लटका चेहरा जब मुझे और आपको ही अच्छा नहीं लगता तो भगवान जी को कहां से अच्छा लगेगा। तो पहले खाना भी खाओ तो एक बार थोड़ा सा स्माइल प्लीज, और फिर खाना खाओ, मजा आएगा खाना खाने में। तो इस मुस्कुराने का परिणाम यह होगा कि सब्जी में अगर नमक कम आ जाएगा ना, तब भी आप सीधे नहीं चीखेंगे चिल्लाएंगे,
शायद नमक मांग के डाल लेंगे, पर चीखेंगे चिल्लाएंगे नहीं, क्योंकि दो मिनट पहले आप मुस्कुराए हैं। और एक बात तय है, जब भी कोई आदमी विटामिन का कैप्सूल खाता है तो कुछ देर तो उसका प्रभाव रहता ही होगा। और ये तो विटामिन का कैप्सूल है, दिन भर में जितने खाने चाहो उतने खा लो, चेहरा लटकाओगे, अस्पताल में भर्ती करने के काबिल हो चुके। मुस्कुराओगे तो अस्पताल वाला डॉक्टर भी पूछेगा, भाई तुम बीमार हो या क्या हो, घर जाओ। अस्पतालों में मायूस लोगों का उपयोग है, हंसते मुस्कुराते लोग तो अगर अस्पताल में भी पहुंच जाएंगे तो उस अस्पताल को भी वो मंदिर बना डालेंगे, उस अस्पताल को भी वो भगवान का घर बना डालेंगे। तो रात को सोने जाओ ना, तब भी स्माइल प्लीज, फिर लेट जाओ। दुकान का शटर अगर खोलो तो गणेश जी को बाद में याद कीजिएगा, गौतम स्वामी जी को बाद में याद कीजिएगा, उससे पहले मुस्कुरा लीजिएगा, फिर गणेश जी को याद कीजिएगा कि गौतम स्वामी जी को याद कीजिएगा, या जिसको भी याद करना है याद कीजिएगा, पर पहले मुस्कुरा लीजिएगा। याद रखिए, चित्त को प्रसन्न रखना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। चित्त को सदा बाहर प्रसन्न रखना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। जीवन अगर वरदान है तो जीवन में मुस्कुराना आना चाहिए। रोता हुआ आदमी चाहे कल मरता हो तो आज मर जाए, और नाराज होने वाला व्यक्ति कल टूटता है तो आज टूट जाए। इस बात को कभी भी अहमियत मत दो कि हमारी जिंदगी कितने साल की हुई या कितने साल हम जिएंगे। अहमियत केवल इस बात को दिया जाए कि हम जब तक जिएंगे तब तक वही आनंद भाव से जिएंगे। तो सार इतना सही है कि आनंद से जियो, हृदय से जियो, मस्ती से जियो, हर हाल में मस्त रहो। और मस्त रहने वाले लोगों को पागल ही कहते हैं। जैसे सामने दादाजी बैठे ना, आधे लोग इनको पागल ही समझते होंगे, चौथाई लोग मुझे भी पागल ही समझते होंगे। पर भगवान करे जैसा मैं पागल हूं ये सारी दुनिया वैसी पागल हो जाए। जैसा मैं पागल हूं वैसी ये सारी दुनिया पागल हो जाए, तो दुनिया को जीने का आनंद आ जाए। जीवन एक उत्सव है, जीवन एक उत्सव है, जन्म भी एक उत्सव है, मरण भी एक उत्सव है। नेगेटिव थिंकिंग रखेंगे तो कहेंगे जन्म भी एक दुख है, रोग भी एक दुख है, मृत्यु भी एक दुख है, बुढ़ापा भी एक दुख है। पर जीवन के प्रति अगर उत्साह भाव से भर जाओ, जीवन को अगर उत्सव बना लो, तो जन्म भी एक आनंद है, मृत्यु भी एक आनंद है, रोग भी समाधि का आनंद है, और बुढ़ापा भी जीवन को जीने का एक आनंद है। जीवन एक उत्सव है भाई। अब रोज रोज पर्व तो आएंगे नहीं, दिवाली तो साल में एक दफा आती है, होली तो साल में एक दफा आती है, मगर जो आदमी हर हाल में मस्त होकर जीता है ना, उस आदमी के हर सुबह ईद होती है, हर दोपहर होली होती है, और हर रात उसकी दिवाली हुआ।